लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मुंबई से सटे कोंकण क्षेत्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने का खतरा पैदा हो गया है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण विभागीय आयुक्त को ओमिक्रॉन को रोकना जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया है। आज मिनी मंत्रालय में इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों ने बैठक की, जहां कोरोना की संभाविता तीसरी लहर से निपटने सभी जरूरी उपायों और इंतजाम पर जोर दिया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा मुंबई और कोंकण में सताने लगा है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण क्षेत्र के विभागीय अधिकारी को ओमिक्रॉन से निपटने जरूरी उपाय और इंतजाम करने को कहा है। आज बेलापुर के मिनी मंत्रालय में आयोजित बैठक में कोंकण आयुक्त विलास पाटिल ने ओमिक्रॉन को रोकने के लिए बंद कोविड सेंटर फिर प्रारंभ करने और ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही उसकी उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोंकण आयुक्त विलास पाटिल ने कोरोना की नई लहर ओमिक्रॉन से सतर्क रहने का आदेश देते हुए कोविड के नए वेरिएंट की पहचान करने वाली जांच किट उपलब्ध कराने एवं इसकी ज्यादा जांच के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। बैठक में कोंकण जिला के जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और तमाम उच्च अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने कोरोना की संभाविता तीसरी लहर से बचाव के लिए 100% वैक्सीनेशन पूरा करने और तत्संबंधित इंतजाम करने को लेकर रणनीति तैयार की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।